इसी के साथ एक चीज और बताएं कि प्राइसिंग, इसकी प्राइसिंग 1434 रुपए, मतलब इस वाले को हमने सिर्फ 700 रुपए में लिया है। चलिए मानते हैं कि थोड़ा सा डिजाइन वगैरह अच्छे हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी एकदम रद्दी है। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब गाइस? आज की जो वीडियो होने वाली काफ़ी मस्त होने वाली, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे सामने खड़ा है एक मिस्टीरियस बॉक्स, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी ब्रांडिंग वगैरह कुछ नहीं देख रही, सिंपल सा बॉक्स है। इसको खोलेंगे और इसके अंदर दिखाएंगे क्या चीज़ इसके अंदर हमको देखने को मिलने वाली है। इस बॉक्स को हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया था और फ्लिपकार्ट से आया था। इसको बॉक्स ओपन करके दिखाते हैं कि क्या इसके अंदर चीज़ें और कितने की हमको प्राइसिंग वगैरह पड़ी। वैसे चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, इसके अंदर हमको मिल जाते हैं कार के व्हील कैप, जैसे आप पीछे देख रहे हैं हुंडई i10 आपको देखने को मिलती है, जैसे काफ़ी वीडियोज़ में हमने हमारे साथ दिखाई है इस कार को। इसका जो रिम साइज़ है ये 13 इंचेस के हैं, तो 13 इंचेस के इसके अंदर हमने व्हील कैप मंगाए हैं, तो व्हील कैप काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे उसमें, तो हमने मंगाए। अब देखते हैं कि इंस्टॉलेशन काफ़ी बढ़िया रहती नहीं रहती, क्योंकि हमेशा हमारे साथ दिक्कत क्या आई ना ऑनलाइन पे, जो फिटिंग जो रहती है बड़ी बेकार रहती है, फिटिंग अच्छी नहीं मिलती है। तो इस वाले प्रोडक्ट को देखते हैं, क्योंकि और हमने जो मंगाए थे अमेजोन से मंगाए थे, इस वाले को फ्लिपकार्ट से मंगाया, तो इसकी फिटिंग बढ़िया रहती है नहीं रहती है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले। अगर बढ़िया रहती है तो वो भी हम आपको बताएंगे, नहीं रहती वो भी हम बताएंगे। चलिए आप इसको खोलते हैं, जल्दी जल्दी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट है, कैसी इसकी क्वालिटी है और फिटिंग वगैरह कैसी है, वो सब चीज़ें देखते हैं। बाकी प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग हमको इसकी मिल गई थी ऑनलाइन 1432 रुपये की, 3434 रुपये की, मतलब 1434 रुपीज़ की हमको इसके प्राइस पड़ गए थे। बाकी अगर आप चाहते हैं इसको ऑनलाइन खरीदना तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर और भी खरीदूंगे तो लिंक से चले जाइए, वहाँ से आपको और भी काफ़ी सारे इसके वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, इसके साइज़ देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके का बॉक्स मिलता है, आप सोच रहे होंगे इसमें कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि सेलर ने मेरे ख्याल से इसको पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छी तरीके से भेजा हुआ है। डायरेक्ट इनने इसको पैक करा, मतलब ब्रांडिंग वगैरह कुछ है नहीं इसमें, काफ़ी सिंपल तरीके से पैकिंग करी है। तो चलिए पैकिंग का तो ऐसी है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं गाइस, इस तरीके के हैं, तो ड्यूअल कलर में आपको देखने को मिलते हैं ब्लैक एंड रेड के साथ। तो चलिए अंदर से खोलता हूँ, कितना ग्लॉसी कलर का फील इसमें आता है वो देख लेते हैं। वाओ गाइस, मतलब लुकिंग वाइज काफ़ी बढ़िया है, लेकिन यार एक चीज़ की कमी है इसमें, ये डेंट वगैरह लगे इसमें, लग रहा है यूज्ड प्रोडक्ट भेज दिया इनने, किसने लगाया और भेज दिया। तो सर वही हुआ होगा, लेकिन यहाँ ये है कि इसका जो कलर दिया हुआ काफ़ी ग्लॉस पे दिया हुआ है, रेड भी ग्लॉस पे है और ब्लैक भी ग्लॉस पे है, और हल्का हल्का रेड का फील दिया हुआ है, मतलब पूरा रेड नहीं है इसमें, तो मतलब लग तो काफ़ी बढ़िया आ रहा है, लुकिंग वाइज देखें तो काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए जल्दी से हम इसको इसे इंस्टॉल करते हैं और फिर देखते हैं कि फिटिंग वगैरह अच्छी नहीं आ रही, नहीं आ रही है। तो ये वाला हमारा पुराना वाला है, इसको हमने निकाल लिया है, तो अब इसको लगाते हैं। वैसे इसमें जो डिज़ाइन दिए हुए हैं ये खाली नकली के हैं, क्यों अब हमारे तो सीधे फिट होते हैं, जैसे आपको बताइए छेद है बीच में, इसमें छेद नहीं है, कुछ इस तरीके से इनको देख, तो यहाँ से टेढ़ा हो गया, ये देखिए ये बाहर को आ गया और दूसरा ऐसे ही निकल जा रहा है, मतलब सेम प्रॉब्लम हमारे साथ फिर हुई है यार। गाइस ऑनलाइन से मंगा के हम परेशान हो गए। अब ये हमने लगवाया था आफ्टर मार्केट, इसकी क्वालिटी देखेंगे ना, मतलब बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और फिटिंग जो है इंस्टॉलेशन इसकी काफ़ी बढ़िया है, तो आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया रहते हैं। ये जो है शो में तो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये क्वालिटी आप देख सकते हैं, तार लगाते पहले एक तो बेंड हो गया, इससे आपको इसकी क्वालिटी पता चलती है कि किस लेवल की है, थोड़ी तो मतलब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए, खाली मतलब प्लास्टिक ऐसे बना के भेज दिया। अब ब्रांड वगैरह भी इनने मेंशन नहीं किया इसमें कौन से ब्रांड का आया है, कौन सा क्या है। और इसी के साथ एक चीज़ और बताएं कि आप प्राइसिंग, इसकी प्राइसिंग 1434 रुपये, मतलब 1434 रुपीज़ की पड़ी, और ये जो हमने पुराना वाला हमारा ये था, इस वाले को हमने सिर्फ 700 रुपये में लिया है, सोचिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। चलिए मानते हैं कि थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह अच्छे हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी एकदम रद्दी है और स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है इस वाले की, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो ये चीज़ है मतलब काफ़ी बेकार है। अब इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रिप लगाने वाला सिस्टम मेरे को पसंद नहीं आता, एक तो ये रहता नहीं कि आप जिस टाइम टायर खोल लें तो टायर के साथ आपको स्ट्रिप निकालनी पड़ती है या स्ट्रिप काटनी पड़ती है, दूसरा फिर वो स्ट्रिप वाली जो प्रोसेस रहती है ना अच्छी नहीं लगती वो, अब आपसे ऊपर से स्ट्रिप लगा रखी है वो बड़ा गंदा सा लगता है। चलिए एक चीज़ आपको और दिखा देते हैं कि अगर आपको इसी तरीके के मार्केट में अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं तो अगर आप इसको लगाएंगे तो लगने के बाद कैसे लगते हैं, लुक्स कैसे देते हैं और डिज़ाइन कैसे लगते हैं इसके, तो मैं इसको ऐसे फिट कर देता हूँ, ऐसे फिट करके आपको दिखाता हूँ कैसा लुक दे रहे हैं। तो एक तो ये लगा देते हैं, एक ये हो गया, तो गाइस इसमें भी लगा देते हैं, ये वाला हम निकाल लेते हैं, ये वाला हम लगा देते हैं, तो लगे तो बहुत लूज ही हैं, लेकिन चलिए डिज़ाइन आप देखिए, आपको सिनेमैटिक दिखाते हैं इसमें किस तरीके के डिज़ाइन हैं।
तो गाइस हमने लगा के तो आपको दिखा दिए हैं, अगर आप लगवाते हैं अच्छी क्वालिटी के आपको मिल जाते हैं तो इस तरीके के लुक लगते हैं। मतलब लुकिंग वाइज तो मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि यार बेकार हैं, लुकिंग वाइज अच्छे लग रहे हैं, मतलब हमारी गाड़ी के साथ मैच कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक एंड रेड के साथ कॉम्बिनेशन जैसे हमारी गाड़ी का है उसी तरीके से ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन में ये भी दिए हुए हैं, तो इसके साथ बॉडी के साथ काफ़ी मैच कर रहे हैं। तो आपकी गाड़ी के बॉडी के साथ अगर जैसे आपकी अलग कलर की है तो रेड के साथ आप अलग एडिशन ले सकते हैं तो बढ़िया लगेगा। लेकिन एक चीज़ और देखिए, यहाँ आपको आप फिनिशिंग वगैरह देखेंगे ना, ये पूरा बाहर निकल गया है, ये तो बाकी तरफ से जैसे अंदर लगा है तो ये बाहर, ये तो लेयर बाहर आ रही है, तो जैसे मैंने सामान नहीं पाया क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो सामान नहीं पाया, बाहर को आ गया है। मैं भी आप देखेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे फिनिशिंग की काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी लूज़ हो गया, बाहर आ गया, बाकी निकलने की बात करें तो ऐसे निकल जा रहे हैं ये, तो ऐसी कैसे अटकेंगे गाड़ी में, एक बार हवा चलेगी पूरा बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे तो ये उतनी अच्छी तरीके से क्वालिटी नहीं है, फिट एंड फिनिश बहुत बेकार है और रिलायबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं अमेज़ॉन में देखना तो वहाँ से भी देख सकते हैं, बाकी लोकल मार्केट में आपको मिल जाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर अच्छी तरीके से फिटिंग हो जाए ना, लुकिंग काफ़ी अच्छी है। तो मैंने सोचा है कि मैं आपको दिखा दूँ कि अच्छा है या बुरा है, जो भी है ऑनलाइन में, लेकिन काफ़ी दिक्कत रहती है क्योंकि मेरे साथ 3-4 बार ऐसी दिक्कतें हो गई हैं जो फिटिंग फिनिशिंग अच्छी नहीं मिल पाती है और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोकल मार्केट में देख लीजिए, अच्छा ऑप्शन मिलता है तो वहाँ से आप ट्राई कर लीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बनता ही है, बाकी ये सारी चीज़ थी इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे ऐसी नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।